ये भी जानता हूं कि मैं जो बोलना चाहता हूं वो आप 100% समझ रहे हैं। मैंने हर गम खुशी में धारा है, मेरा हर एक चलन निराला है। लोग जिन हादसों पे मरते हैं मुझको उन हादसों ने पाला है। मैं इसे इंग्लिश में भी आपके सामने दोहराऊंगा। एवरी सॉरो विद जॉयफुल आईज आई सी, ईच एट्रीब्यूट ऑफ माइन डिफरेंट बी, पार्ट्स दैट क्लेम द लाइफ ऑफ अदर्स आर द वंस दैट ब्रीद लाइफ इन मी। मैं इसलिए ये बोल रहा हूं कि जो भी ये क्लासेस देख रहे हैं आप सब, आपको ये याद रखना चाहिए कि जिसको भी आप इंडिया में देखेंगे उनके इंग्लिश के बात करने के ढंग के पीछे एक कहानी है। देखिए, हमेशा हम इंग्लिश में कहते हैं इफ यू आर अनेबल टू टॉक इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट इफ यू वॉन्ट टू बी एबल टू टॉक इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आपको इंग्लिश में बात करना नहीं आ रहा है, अरे अरे आई एम सो सॉरी, बहुत कठिन होगा आपके लिए। अगर आपको इंग्लिश में अच्छी तरह से बात करने की क्षमता आनी चाहिए तो भी इट इज डिफिकल्ट। देखिए, हिंदुस्तान में, इंडिया में आप रास्ते में जिससे भी मिलिए उनका मदर टंग तो इंग्लिश 99% नहीं होगा, फिर भी अपने एक एफर्ट से उन्होंने इंटरेस्ट डाल के, नहीं तो नेचुरली लोगों के साथ बात करते उन्होंने इंग्लिश सीखा है। बात तो यह है कि हर एक आदमी को ये मौका नहीं मिलेगा। देखिए, इंडिया इज अ लैंड ऑफ विलेजेस। आप जानते हैं इंडिया में कि 400 मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, बड़े बड़े शहर, और 40,000 टाउन्स है, और 6.5 लाख विलेजेस है। यानी इंडिया इज अ नेशन ऑफ विलेजेस, ये राष्ट्र है गांव का, बहुत सारे गांव, 6 लाख से ज्यादा, 6.5 लाख विलेजेस है इंडिया में। तो इसका मतलब है ये है कि हर एक गांव में जो भी रहता है उन्हें इंग्लिश बात करने का मौका कम मिलेगा, मगर अगर घर पे टीवी है ना तो उनका इंग्लिश का नॉलेज जो है वो बढ़ जाएगा। हमेशा आपके घर में नानी या दादी बोलेंगी कि मोटर ऑन करो, फैन ऑफ करो, ऐसा ही बोलेंगे वो। वो मोटर का जो एक सिनोनिम है हिंदी में, मोटर का जो एक शब्द हिंदी में उपयोग किया जाएगा ना, उसे वो जानते नहीं होंगे, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि विंडो डर्टी है बहुत, कल आप क्यों नहीं आए, संडे हॉलीडे, ऐसा बोलते हैं हम, करेक्ट। गांव में भी ऐसा ही बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके घर में टीवी है तो आप ज़रूर इंग्लिश जानते हैं, मगर बात तो यह है कि ड्यू टू लैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इन इंग्लिश, इसका मतलब है आपने जो भी पढ़ाई की ना वो अंग्रेजी में ना होने के कारण और रूरल एनवायरनमेंट के कारण आप इंग्लिश में प्रैक्टिस, एटमॉस्फियर, कंफर्ट नहीं पा रहे हैं। और हमारा काम तो यह है कि जो भी आप एजुकेशन से यहाँ तक आए हैं, आपके कैरियर यहाँ से यहाँ, आपको कैरियर जंप आना चाहिए, तो एजुकेशन के बराबर की टक्कर आपको कम्युनिकेशन में है। आजकल लोग बोलते हैं कि आपका एजुकेशन है अच्छा है, मगर आपके एजुकेशन के साथ साथ आप क्या वैल्यू ऐड करेंगे मेरे एक इंस्टीट्यूट में आके या मेरे एक ऑर्गेनाइजेशन में आके, वो दिखाइए। नमस्कार, आप ये वीडियोस देखिए और मुफ्त में हिंदी से इंग्लिश आसानी से सीखिए। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।